कोलताई में 3 दिवसीय ताप्ती महोत्सव में सूफी गायक हंसराज हंस ने सूफी गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने पुलवामा हादसे के बाद पाकिस्तानी कलाकारों और क्रिकेटरों को बैन करने को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार द्वारा कड़ा फैसला लेना जरूरी था। इसके साथ उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि संगीत और क्रिकेट भारत पाक रिश्तों के लिए लॉन्ग ब्रिज का काम कर सकता है, लेकिन जब बात मोहब्बत की किसी की समझ में ना आए तो फिर एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा। इस दौरान कार्यक्रम में सूफी गायक ने कई गजलों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब इंतहा हो जाए तो सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गीत क्रिकेट एक लॉन्ग बेंच पर चलता है, लेकिन जब मोहब्बत की बात ही किसी को समझ ना आए तो फिर लकीर तो एक फैसला तो लेना पड़ेगा। मेरी ख्याल से ये फैसला ठीक है। कैसी क्रिकेट, कैसा गाना, एक माँ का बेटा फौजी वापस नहीं आएगा, एक बच्ची कुरला रही उसका बाप वापस, डैडी वापस नहीं आएगा, इनको एक बहन का खागा पति मियां वापस नहीं आएगा। लोग उन फौजियों के अपने बेटे से रिलेट करके दर्द महसूस करो और फिर सोचो क्या हो रहा है, क्यों इतनी प्रे करो, अरदास करो। जब एंड हो जाए तो बंदा बने ही ना बंदे का पुत्र, तो फिर ये ऐसे फैसले लेने पड़ते।